Right. Hi everyone. The new topic is our irrational number. Right. Last two videos we have done about rational number system. In this part we will do about irrational number. Right. In starting we have told irrational number are those numbers which are not expressed in the form P upon Q. इस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होते जो वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं. राइट. मैंने आपको कहा था राइट इट इज़ एग्जांपल रूट. रूट की वैल्यू होती है जब पाई के बोलते हैं हम. पाई क्या होती है? इरेशनल होता है. हम पाई का वैल्यू पाई प्लस टू एक इरेशनल नंबर बन जाएगा. राइट. और इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं. राइट. वन मोर थिंग वी कैन ऐड हियर इट इज़ योर राइट इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर नॉन टर्मिनेटिंग. दे आर नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि चलता रहेगा, कीप ऑन गोइंग. नॉन टर्मिनेटिंग है. रूट टू की वैल्यू देखियोगी चलता रहता है. राइट. पाई की वैल्यू राइट 3.144 चलती रहती है. राइट. नॉन टर्मिनेटिंग एंड ऑल्सो नॉन रिपीटिंग. कहीं पर रिपीटिंग की जगह रीअकरिंग भी आता है. रिकरिंग भी आता है. राइट. रिपीटिंग और रिकरिंग जो बार बार आता है. देखिए जो नॉन रिकरिंग जो रिपीट नहीं होता, जैसे मैं एग्जाम्पल की रूट टू की वैल्यू कितनी है 1.1412. राइट. ये चलता रहेगा लेकिन इसमें कुछ रिपीट नहीं होगा. आपका कोई नंबर जैसे आपका था ना बार वाला पार्ट नहीं आता है, ऐसी रूट थ्री है, इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं होती है. तो इरेशनल नंबर जो डेफिनेशन पूछिए, इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू. दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स. राइट. दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स. राइट. नेक्स्ट इफ यू वॉन्ट टू टेक सम एग्जाम्पल. राइट. जैसे एग्जाम्पल कहते हैं एग्जाम्पल है, जैसे हमने कहते हैं 1.01001 0001 0001 चलता रहेगा. ये आपका इरेशनल नंबर का एग्जांपल है. राइट. जी दिख रहा है यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद एक ना एक जीरो है, फिर एक वन है, फिर दो जीरो एक वन, तीन जीरो एक वन, चार जीरो एक वन. ये आपका क्या है? इरेशनल नंबर. कोई चीज़ ना रिपीट हो रही है ना ये रुक रहा है. राइट. हम इसको कुछ भी मानते हैं. वी कैन मेक एनी 2.212111 2221 1 1 1 2 2 2 2 ये आपके क्या है? इरेशनल नंबर है, विच इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट. राइट. दिस योर इरेशनल नंबर. गॉट इट. देयर आर सम इम्पोर्टेंट नोट्स वी हैव टू थिंक. राइट. वी कैन ऑल्सो से थ्योरम ऑल्सो. राइट. बस पहले थ्योरम क्या आपके हम इसमें थ्योरम पूछते हैं. पहले क्या है? नेगेटिव ऑफ नेगेटिव कि इरेशनल नंबर का नेगेटिव भी क्या होता है? इरेशनल नंबर ही होता है. जैसे कि माइनस रूट टू. राइट. मुझे मालूम है रूट टू क्या है आपका? इरेशनल नंबर है. इसका नेगेटिव भी करेंगे तो इट ऑल्सो बिकम इरेशनल नंबर. इट ऑल्सो बिकम इरेशनल नंबर. राइट. रैशनल नंबर. राइट. सेकेंड आपके पास एक रैशनल नंबर है प्लस इरेशनल नंबर. आपने क्या किया? एक रैशनल नंबर ले लिया और एक इरेशनल नंबर ले लिया, दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया. तो तब भी आपका आंसर कितना बन जाएगा? इट बिकम इरेशनल नंबर. क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर बनेगा. एग्जांपल टू क्या एक रैशनल नंबर है प्लस रूट थ्री. तो टू प्लस रूट थ्री क्या बनेगा? इट इज अ इरेशनल नंबर. राइट. सम ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑल्सो क्या है? रूट टू प्लस रूट थ्री. ये क्या है भैया? इट ऑल्सो बिकम अ इरेशनल नंबर. ये भी क्या है? इरेशनल नंबर. दिस ऑल्सो इरेशनल नंबर. तो ध्यान देना, नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर. रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या बन जाएगा? इट बिकम इरेशनल नंबर. और सम ऑफ टू इरेशनल नंबर ऑल्सो गॉट राइट इरेशनल नंबर. इट्स क्लियर. लेट्स डू सम क्वेश्चन ऑन इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर के पास कुछ क्वेश्चन करेंगे.
लेट्स देख कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि चेक यहाँ पर करते चेक वेदर, चेक वेदर रूट 45 इज रैशनल और इरेशनल। आपको ये चेक करना है कि रूट 45 क्या रैशनल है कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, हमारा नंबर क्या है, रूट 45 है। जब भी ऐसे कोई नंबर आएगा इसको पहले ब्रेक करो, यू कैन ब्रेक 5 × 9, और 9 किसका होता है, स्क्वायर किसका, 3 का है, तो इसको और ब्रेक करते हैं 5 × 3 × 3, ये पेयर बन गया रूट के अंदर, ये क्या जाएगा 3√5। अब ये इसके आगे सॉल्व हो नहीं सकता, तो इट मीन ये आपका लास्ट है। अब √5 मेरा क्या है, इरेशनल नंबर, 3 क्या है मेरा रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, ये भी क्या देगा आपको, इरेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है ना, अबाउट दैट। हाँ, अब और भी क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि आपके पास दो नंबर हैं, एक नंबर 2 है और एक नंबर 3 है। राइट, बोला है इनके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करो, इनके बीच में क्या करना है, इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो मैंने इरेशनल नंबर बताया था कि नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन बिटिंग, कोई भी दो नंबर लिख दो, ये 2 है, 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, पहला इरेशनल नंबर 2.01 01, राइट, 0.01 0.001 0.01, और चलता रहेगा, एक इरेशनल बन गया। मैं ये भी लिखता हूँ 2.90 9009 0009 0000, चलता रहेगा आपका। ये देखा आपका सेम कि ये 2 है और 3 के बीच में लाई कर रहा है, ये भी 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इरेशनल नंबर बन जाता है। ऑलवेज रिमेंबर, राइट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना तो इरेशनल, द आंसर फॉर इरेशनल नंबर ऑलवेज वेरी, आंसर आंसर फॉर फॉर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ऑलवेज वेरी, चेंज कर सकते, नहीं सबका आंसर अलग अलग आ सकता है, कोई नहीं किसी का आंसर सिमिलर आए, आंसर चेंज है। रैशनल नंबर भी आता है, दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकालो, उनका भी आंसर क्या चेंज आ सकता है। राइट, देयर कुड बी मैनी रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर, और देयर कुड बी मैनी रैशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर। राइट, तो नोट रखना हमेशा, राइट, शुड बी नोट। राइट, तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना कि दो नंबर के बीच में हमेशा क्या होता है, राइट, आपका आंसर वेरी कर सकता है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर में इसमें आंसर फिक्स नहीं होता। इट कुड बी राइट, किसी ने राइट, जैसे कि मान लिया किसी स्टूडेंट ने ये लिख दिया 2.314 143 2 1 3, चलता रहेगा। राइट, ये लिख दिया, कोई ये भी लिखता है 2.81 43 9 2 3, ये चलता रहेगा, तो ये आपका क्या वेरी कर रहा है, दिस वेरी। तो ऑलवेज रिमेंबर, राइट, आंसर फॉर 2 रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, दो नंबर के इनके जो क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा क्या वेरी करता रहता है आंसर, कोई फिक्स आंसर नहीं है। जैसे कि टेक अनदर एग्जांपल, एक क्वेश्चन हो रहा है कि आपके पास 2 और 2.5 है, इनके बीच में क्या निकालो, दो रैशनल नंबर निकालो, तो बहुत कुछ भी आ सकता है। तो इरेशनल बोला ना 2.40 40 40 0, और चलता रहेगा ऐसी। यू कैन टेक अनदर एग्जांपल ऑल्सो, 2.6 कुछ भी ले सकते हैं, किसी ने 2.30 40 0 3 0 0 3 2, चलता रहेगा, कि आपके इरेशनल नंबर हो गए। राइट, तो बस ये याद रखना है कि इट शुड बी नॉन रिपीटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे यहाँ देखना ना कि एक बार 9 है, फिर 9 0, फिर 900 आ गया, फिर 9000 आ गया, फिर 90000 आ गया, चलता जा रहा है ऐसे, तो ये और ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, कीप ऑन गोइंग, इसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। राइट, और ये हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, दे आर इरेशनल नंबर, दे आर इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। राइट, नाउ नेक्स्ट
Another example we can take, right? Find irrational number between root 2 and root 3. कि दो है, राइट, दो नंबर है, एक रूट टू और एक रूट थ्री है, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, इरेशनल, राइट। वी आर हैविंग टू नंबर, रूट टू रूट थ्री, दोनों के बीच में क्या निकालना है, इरेशनल नंबर, राइट। जो मैंने मेथड बताया सिंपल वही मेथड यूज करेंगे, दो नंबर के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी होते हैं, राइट। अब मुझे इससे पहले बताया रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, ये याद रखना, इट इज 1.1, राइट। ये कितना होता है, रूट टू कितना होता है, 1.414235 चलता है। और रूट थ्री कितना होता है, 1.73205080 7, राइट। अब यू कैन सी ये वन से शुरू है, 1.41, ये 1.73, इसके बीच में कितने सारे नंबर हैं, कोई भी दो नंबर लिख लो, कोई भी जितने पूछे क्वेश्चन में, अगर टू बोलें वी कैन राइट एनी टू नंबर, वही हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर। बस वो क्या होना चाहिए, वो ना रिपीट होना चाहिए और ना रुकने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल किसी ने मैंने लिख दिया 1.50 1500 1500 1500 0000 चलता रहेगा। किसी स्टूडेंट ने लिख दिया 1.66600666600666000 चलता रहेगा, राइट। देखा ना, इट नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, कोई रिपीटिंग ऐसा हो ही नहीं रहा कुछ पर्टिकुलर बाद में, राइट। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर, इट बिकम इरेशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, राइट, व्हाट वी हैव टू फाइंड, एक क्वेश्चन और दिया, राइट, कि बोला कि फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन, दो रैशनल नंबर निकालने हैं इन दो नंबर के बीच में, ये जो दो नंबर गिवन है ना आपके, इनके बीच में, ये अगर मैं कहता है 0.23233233233 चलता जा रहा है, दूसरा मैं कहता है 0.25255 2555 चलता जा रहा है, यानी कि दोनों के दोनों मेरे क्या हैं, बोथ आर इरेशनल नंबर। इसमें भी कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो रिपीट हो रहा है, राइट, कोई नंबर ना रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, ये भी कोई नंबर रिपीट हो रहा है ना टर्मिनेट हो रहा है, इसके बीच में मुझे क्या निकालना है, राइट। अब इन्होंने बोला कि इसके बीच में क्या निकालना है, रैशनल नंबर बोला है, रैशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू फॉर्म में आने चाहिए, जो फ्रैक्शन बन जाए। अब खुद ही ध्यान दे रखो, ये 0.2 है, ये भी 0.23 23 हो गया, 25 है, अब चलता जा रहा है। अगर हम नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे तो बीच में, अगर ड्रॉ करेंगे तो बीच में एक नंबर आएगा आपका कभी अगर, तो जैसे 0.2 होता है, 0.3 होता है, 0.3 2.5 आता है, ऐसे इसके बीच में कहीं पे 0.25 भी तो आ रहा होगा बीच में। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ 23 है, राइट, यहाँ कितना है, 25 है, राइट, 2555 चलता जा रहा है, राइट। अगर यहाँ दो, पहले के तीन नंबर कितने हैं, 232, यहाँ कितने हैं, 252, तो बीच में एक नंबर 250 भी तो आ रहा होगा। अब ये 250 क्या आपका रैशनल नंबर नहीं है, यहाँ से पॉइंट आओ, 30 आ गए, कट गया, 25 बन जाए, 25 फूट जा, कितना रहेगा, 1/4 आता है, बन गया ना रैशनल नंबर। ऐसे ही एक नंबर और भी तो है इन दूरी के बीच में, अगर ये देखो पहले के चार नंबर देख लो, ये कितने, 23 23, या 25 25, ये 25 25 भी तो क्या है, एक पॉइंट है ना, ये भी क्या है, पॉइंट आएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, इट बिकम रैशनल नंबर बन जाएगा। तो राइट, तो ध्यान देना, दो नंबर के बीच में हमने दो इरेशनल नंबर के बीच में दो रैशनल नंबर भी ढूंढ लिया, राइट, गॉट इट, राइट। जैसे जिससे पहले वाला क्वेश्चन था, 1.14 है, 1.17 है, इसके बीच में एक रैशनल नंबर निकालो, तो हम मेंशन कर सकते ना 1.1 रैशनल नंबर, यानी कि बीच में एक नंबर ये भी तो आ रहा होगा। आप ध्यान से देखो, 1.414 है, ठीक है, अब आगे जाएंगे तो 1.1 बीच में कहीं पर वो भी तो आएगा, 1. आपका जगह 1.6 भी तो आ सकता है, 1. ये कितना सकता है, 1.6 भी आ रहा है, 1.6 का होगा, 1.6 आ रहा है ना, वो किसका बन जाएगा, 1.6 को पॉइंट आओ, पीछे गया 10 आ गया, फ्रैक्शन बन गया आपका, एक रैशनल नंबर ये भी हो सकता है।
राइट। तो दो नंबर के बीच में हम रैशनल नंबर भी निकाल सकते हैं राइट, यानी कि किसी का स्क्वायर होगा, स्क्वायर पॉइंट इंटेगर तब कर सकता आपका राइट जी। ठीक है, तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर हमारा हो गया। एक बार दोबारा मैं रिवाइज कराता हूँ, क्या गिवन था कि हमारा क्या है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इरेशनल नंबर विच आर नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू फॉर्म, जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने रूट टू बोला था, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.4 चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहती है रूट थ्री। और ऑल्सो एक चीज़ ध्यान रखना है, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और नॉन रिपीटिंग के अलावा हम नॉन रिकरिंग भी कहते हैं, जो बार बार रिपीट नहीं होते राइट। जैसे कि ये एग्जाम्पल हो गया 1.01001, ये चलता जा रहा है राइट, दे आर नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग हो रहा है। नीचे 2.2, ऐसे हम एग्जाम्पल कुछ भी बना सकते हैं नजर से राइट। देयर आर सम थ्योरम, थ्योरम हो गया कि राइट कि नेगेटिव इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या होता है, एक इरेशनल नंबर बन के आएगा। फिर रूट टू रैशनल नंबर है प्लस रूट थ्री क्या है, दोनों को जोड़ दो इरेशनल नंबर बन के आएगा रूट टू बनेगा। इवन इरेशनल माइनस, अगर नेगेटिव ले लो राइट, रूट थ्री माइनस रूट टू ये भी क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा, इरेशनल नंबर राइट। नेक्स्ट राइट, ये पार्ट था। फिर हमने एग्जांपल किया था कि आपको ये चेक करना है कि वेदर √45 इज रैशनल और इरेशनल नंबर। आप ऐसे चेक नहीं कर सकते, पहले इसको हमने प्राइम फैक्टर में तोड़ना चाहिए, बिल्कुल प्राइम फैक्टर में लेके आ गए। 45 किसका है, 5 × 9, और 9 को ब्रेक किया 3 × 3, और यानी कि 3√5। अब 3√5, 3 मेरा क्या है रैशनल नंबर, √5 क्या है इरेशनल नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल एंड इरेशनल नंबर भी क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। इवन डिवाइड भी होता है आपका, अगर आपके सामने √5/2 है तो ये भी क्या रहेगा, इरेशनल नंबर है। इसको सॉल्व कहाँ कर पाएंगे, ऊपर तो रूट में है आपका राइट। नेक्स्ट राइट, अब कि आपके कि दो नंबर हैं राइट, दोनों रैशनल नंबर हैं, इनके बीच में इरेशनल निकालो। तो हम कोई भी दो वैल्यू, कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, यानी बस वो रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए और ना ही टर्मिनेटिंग राइट। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं राइट। सिमिलरली एग्जाम्पल और था कि के 2 और 2.5 के बीच में इरेशनल निकालो, तो यू कैन एनी नंबर यू कैन मेंशन 2 राइट। क्वालिटी ये इन दोनों बीच के नंबर आ रहे हैं, बस ध्यान रखना नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, शुड बी ऑलवेज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट है आपका राइट। अब आपके पास √2 और √3 के निकालना है। जब भी ऐसे रूट वाली वैल्यू आएगी तो रूट को इसकी वैल्यू निकाल देना। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं राइट, आपको स्क्वायर रूट पढ़ा था ना लास्ट क्लास 8 में, स्क्वायर रूट लॉन्ग डिजिट मेथड से उस वैल्यू से निकालते हैं राइट। देख लेना नहीं आएगा तो टेल मी, आगे कभी सिखा दूंगा इसे राइट। और ये अब बीच में एनी दो वैल्यू वी कैन पुट इट, कुछ भी वैल्यू राइट, वैल्यू पुट कर देना जो इन दोनों बीच नंबर के बीच का होना चाहिए, वो हमारा क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि दो रैशनल नंबर निकालना है इरेशनल नंबर के बीच में, दोनों क्या हैं इरेशनल नंबर हैं, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो क्या हो किसी का, जो पूरे इसके लास्ट में जीरो आ जाए या कट जाए। जैसे कि 250 आ रहा था राइट, 2525 आ रहा था ऐसे नंबर, इनके बीच में निकालना है कि जिसमें आपका फ्रैक्शन बन जाए आफ्टर पॉइंट निकालने में। ठीक है राइट, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक आगे देखेंगे इसमें। थैंक यू।